और आपने क्या खाया? मलाई चाप, डोसा, चौमीन, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया खा के। आज तक कभी नहीं खाया ऐसा टेस्ट। तो गाइस दिस इज द बैक साइड एरिया ऑफ कैवेंटर्स मार्केट। तो यहाँ पे यार अच्छी खासी शॉप्स हैं खाने की। तो सबसे पहली शॉप हमें दिखती है वो है द रैप फैक्ट्री। एक बार देखते हैं क्या क्या मेन्यू है इनका और क्या क्या लोग खा रहे हैं यहाँ पर, क्या पसंद कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। ठंडी इतनी हो रही है कि हर कोई आग जलाना चाहता है कि गर्मी में सर्दी में हाथ सेक लिए, डन। एक बार मेन्यू देखते हैं क्या क्या ऑफर करते हैं। मैंने देखा उधर अपना मेन्यू ये रहा। सो गाइस देख सकते हैं आप, दिस इज द मेन्यू। ये देखिए फर्स्ट पेज है मेन्यू। फर्स्ट पेज रिफ्लेक्ट करता है आपकी शॉप के बारे में कि आपकी शॉप में क्या क्या मिलता है। जो सारी अच्छी चीज़ें होती है ना फर्स्ट पेज पे होती है मेन्यू के हमेशा। तो आप देख सकते हैं चिली चाउमीन, यानी नॉनवेज भी है, नॉनवेज ही है कि मुझे ऐसा लग रहा है शायद। वेज भी वेज है, वेज है, वेज भी है गाइस। तो फर्स्ट पेज देखिए नॉनवेज ही है। रैप्स हैं, रैप्स के लिए फेमस है, तो सारे रैप ही रैप हैं आप देख सकते हैं। और प्राइस मैं बोलूँ तो चिकन वाले का स्टार्टिंग प्राइस है जो 100 रुपीज़ है सिंगल का, एंड फॉर डबल यू हैव टू पे 140 रुपीज़। तो दिस इज़ द लाइक जो सबसे कम प्राइस वाला चिकन वाला रैप है वो 100 रुपीज़ का है। और वेज में सेम चीज़ आपके लिए सिंगल लेग का लेते हैं आप तो 50 का है, एंड फॉर डबल इट्स गोज अप टू 60। सो गाइस देख सकते हैं अब यार आलू रैप, मिक्स वेज, चिली पटाटो, तंदूरी चिली, हनी चिली पटाटो, वेज चाउमीन, यानी सारे कॉन्टीनेंटल, इटालियन और चाइनीज़ सब चीज़ों का रैप मिलेंगे आपको यहाँ पे। अगर आप एड ऑन कराना चाहते हो सिंगल लेग के 10 रुपीज़ और डबल लेग के 20 रुपीज़ गाइस। देख सकते हैं यार चॉपसी भी है, दैट इज़ अ एडिशनल थिंग, चॉपसी भी है। राइस में आपका फ्राइड राइस, पनीर राइस, तो यार अच्छे खासा मेन्यू है। और अब आते हैं इसके प्राइस पे गाइस। तो गाइस प्राइस अगर मैं आपको बोलूँ, अगर आप चिकन रैप ले रहे हैं 100 रुपीज़ का सिंगल है, तो अगर हम देसी भुक्कड़ के अपने स्केल पे इसको रेट करते हैं तो हम इसको 70-80 तक मान के चलते थे। तो ये 20 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसके लिए, बट सही है, वो डिपेंड करता है स्वाद पे। अगर आपको स्वाद पसंद है तो पैसे देने में कोई झिझक नहीं है सही में, तो वो 100 रुपीज़ सही है, कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है। चिकन आज आपको पता है यार प्याज कितना महंगा हो रहा है, तो प्याज डालेंगे तो पैसा तो देना पड़ेगा गाइस। तो देख लो गाइस एक बार आराम से देख लो पूरा मेन्यू इनका, आप पॉज करो वीडियो और आराम से देखो मेन्यू। और यहाँ पे आप आ सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है, फैमिली यानी फैमिली के साथ भी आ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने आ सकते हैं। बर्थडे पार्टी हो गई, स्मॉल गेट टुगेदर्स हो गए, आप आ सकते हैं एंजॉय कर। सो गाइस हम जुड़ चुके हैं द रैप फैक्ट्री के कुछ कस्टमर्स के साथ, इधर एंजॉय, इनसे पूछते हैं क्या एंजॉय कर रहे हैं और अगर आउट ऑफ 10 में बोलूँ तो कितना रेटिंग देना चाहेंगे। हाय गाइस। हाय। सो गाइस व्हाट्स योर गुड नेम? जतिन। जतिन जतिन तो जतिन का होल स्क्वायर एंड हिमांशी। हिमांशी इति कृति इति इति इति। सो गाइस इनसे पूछते हैं आप क्या एंजॉय कर रहे हैं ब्रदर? यहाँ पे तंदूरी चिली पराठा सबसे अच्छे हैं। तंदूरी चिली पराठा आप अपने वही खाए हैं अभी? हाँ। ओके, अगर मैं बोलूँ 10 में से रेटिंग देने 9.5। गाइज 9.5 इज़ अ वेरी गुड रेटिंग यार। तो अगर आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हैं बल्दे बताइए? मेरा स्कूल था यहाँ पे। अच्छा, तो मैं 3-4 साल से आ रहा हूँ। 3-4 साल से आ रहे हैं। और आप? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। आप पहली बार आए? आप ऑनेस्ट रिव्यू देंगे? आपको मैं बोलूँगा चिली पराठा को रेट करने के लिए आउट ऑफ 10 कितना? 9.5। तो देखो नाम भी दोनों की जतिन है और रेटिंग भी ऑलमोस्ट सेम है, तो जतिन का होल स्क्वायर और 9.5 का भी होल स्क्वायर। तो अगर आपको आप ये वेज चाउमीन एंजॉय कर रहे हैं? मुझे चिली पराठा ज़्यादा अच्छे लगे। वेज चिली पराठा ज़्यादा अच्छा, तभी वो पहले खत्म हो चुके हैं आप देख सकते हैं। चाउमीन बची है, यही लाए कि यहाँ के टेस्टी होते हैं। अच्छा, तो आप भी फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? नहीं, मैं सेकंड टाइम आई। आप सेकंड टाइम आए हैं। अगर मैं आपको आउट ऑफ 10 बोलूंगा तो कितना रेटिंग देंगे आप इसे? 9.5। तो गाइस ये एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप लगती है मुझे, यानी कि एक जब फर्स्ट उन्होंने 9.5 बोला तो 9.5 9.5। एंड यू? 9। शी वांट्स टू बी डिफरेंट। इन 9 9.5 बहुत अच्छी रेटिंग होती है गाइस। तो चिली पराठे तो खत्म हो चुके हैं, चाउमीन भी खत्म होने वाली है। चाउमीन को बोलूंगा तो कितना रेट करेंगे ब्रदर आउट ऑफ 10? 8 8। 7.5। चाउमीन आपको पसंद नहीं आ रही क्या ज़्यादा? मतलब नॉट बेटर देन दिस। ये ज़्यादा पसंद है। तो गाइज इनके चिल्ली पराठा स्पेशलिटी है कि हम ऑनेस्ट रिव्यू प्रेजेंट करते हैं गाइज, हम सीधा ग्राहक से पूछते हैं उसको क्या पसंद आ रहा है, तो चिल्ली पराठा ऑन टॉप है। सो गाइज हम आ गए हैं यहाँ पे कैवेंटर्स चाइनीज फूड, एक शॉप है यहाँ पे, और यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी है गाइज। अगर मैं इनका मेन्यू देखूँ, आपको एक मेन्यू दिखाता हूँ, ये देखिए इनका मेन्यू है, सब कुछ है यहाँ पे, चाइनीज़ भी है आपका, इटालियन भी मिलेगा आपको, और पीछे देखिए साउथ इंडियन भी है।
तो गाइस साउथ इंडियन भी है, लच्छा पराठा है, नॉर्थ इंडियन भी है, और चाइनीज तो मैंने आपको बताया है कि स्नैक्स में मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, चिली पटाटो, तंदूरी चिली पटाटो, यहीं सब कुछ मिलेगा। यानी आप कैमेंटर्स मार्केट में जो घूमा हूँ अभी तक, मुझे चाइनीज़ यहाँ पे हर जगह मिला है ऑलमोस्ट। मोमोज, चिली पटाटो तो हर जगह मिल रहे हैं यहाँ पे। सो अगर मैं आपको अब प्राइस की बात करते हैं, वेज में फ्राइड राइस की जो हाफ प्लेट है दैट इज़ फॉर 70 रुपीज़, एंड फॉर फुल यू हैव टू पे 100 रुपीज़। तो गाइस सही है, प्राइस ज़्यादा नहीं है, हमारा जो रेट है वो 70 का होता है, तो ये 70 पे ही है एग्जैक्ट। तो हम कहेंगे प्राइस में एकदम देसी बुक्कड़ के लेवल पे सही है, और पूरा मेन्यू वेज है गाइस, दैट इज़ अ गुड थिंग। कि मुझे पहली शॉप यहाँ पे दिखी है कैवेंटर्स में जिसमें सिर्फ वेज मिल रहा है, वरना सब जगह वेज नॉन वेज मिक्स है। तो अगर आप जो कहते हैं ना हार्ड कोर वेज है, कि आप चाहते नहीं कि एक रसोई में दूसरा वेज नॉन वेज बने, तो आप यहाँ पे आ सकते हो वेज खाने, तो यहाँ पे आपको नॉन वेज नहीं मिलेगा। सो गाइस अच्छा खासा मेन्यू है यार, चाप भी है, मशरूम चाप, स्टफ चाप, मलाई चाप, अचारी चाप, सब कुछ है। या बात करते हैं इनके ग्राहकों से कि वो क्या खा रहे हैं, और आउट ऑफ 10 कितना रेट करना चाहेंगे इनके खाने को। चलिए सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। ओकेजन क्या है वो बताएगा मुझे? बर्थडे भाई, बर्थडे भाई, द बर्थडे बॉय। देखो तो इसकी तरफ से ट्रीट है आज सबको। सो गाइस आप क्या क्या इंजॉय कर रहे हैं बताएंगे मुझे? क्या खाया आपने? मैंने डोसा खाया। डोसा खाया आपने, और आपने क्या खाया? मलाई चाप, डोसा, चौमीन, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया खा के, आज तक कभी नहीं खाया ऐसा टेस्ट। अगर मैं कहूँगा आउट ऑफ 10 रेट करना कितना बोलेंगे? 10 आउट ऑफ 10, 10 में से 10, 10 में से 10, इतना टेस्टी खाना है। ब्रदर आपने क्या खाया यहाँ पे? भैया ये मतलब हम लोगों ने मलाई चाप वगैरह, डोसा वगैरह, हाँ टेस्ट किया, अच्छा इसका टेस्ट, ठीक है। हाँ और प्राइस बोलूँ तो रीजनेबल है? प्राइस रीजनेबल है, हाँ अफोर्डेबल है प्राइस, नहीं नहीं प्राइस अफोर्डेबल है। स्टूडेंट्स आ सकते हैं? हाँ हम लोग स्टूडेंट्स हैं सारे, अभी ऑल फ्रॉम, हाँ हम लोग ड्यू के ही हैं, हम लोग आते हैं। हाँ तो कोई बर्थडे ओकेजन है या कोई फैमिली ओकेजन है, कुछ भी हो, सो आप लोग आ सकते हैं एंजॉय करने, हाँ बेटर है। सो गाइस बर्थडे ओकेजन है कुछ, जैसे भाई का बर्थडे है अभी, तो सेलिब्रेट करने सब आए हुए हैं, आप बैठ जाइए। तो गाइस एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स, इन्हें एंजॉय करने देते हैं एक बार। सबसे ज्यादा एंजॉय तो वो कर रहे हैं, अब दिखा सकते हैं, मैं कैमरामैन से बोलूंगा अपने, देखिए एक बार, यानी सांभर एंजॉय कर रहे हैं वो। तो दोस्तों मैंने आपको जहाँ पे चाइनीज दिखाया, इटालियन दिखाया, आपको कॉन्टिनेंटल भी दिखाया और देसी भी दिखाया, तो अब है बारी मीठा खाने की, यानी खाने के बाद क्या खाना चाहिए मीठा। तो यहाँ पे एक नेशनल पान पार्लर कर गया है यार, तो यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के पान अवेलेबल है, एक बार देखते हैं अंदर जाके, एक्सप्लोर करते हैं कि कौन कौन वैरायटी के पान अवेलेबल है, फेमस है यहाँ का फायर पान। चलिए मेरे साथ एक बार देखते हैं। सो गाइस दिस इज़ द मेन्यू, फायर पान, फ्रोजन पान, आइस पान, चुस्की पान, गुंडी पान, ये क्या होता है यार, आई डोंट नो, बात करेंगे ना कि ये क्या होता है गुंडी पान, मीठा पान, चॉकलेट पान, यानी यार अच्छे खासे सब कुछ पान है, नॉर्मल पान भी मिलता है। तो अब देखते हैं अंदर जाके, ट्राई करेंगे हम यहाँ का। तो दोस्तों जो पान का प्राइस है यहाँ पे सब 60 रुपीज़ से नीचे है, फायर पान है इनका ही 50 रुपीज़ का है, और फ्रोजन पान 60 का है, आइस पान 50 का, यानी 50, 60 और 40 के बीच में ही ऊपर नीचे कूदते रहते हैं इनके पान सारे, तो 40, 50, 60। एक बार ट्राई करते हैं अंदर जाके, स्पेशलिटी जो इनकी है वो ट्राई करेंगे, आपको बताएंगे उसका रिव्यू और रेट करेंगे उसका आउट ऑफ 10। चलिए मेरे साथ आइए। तो दोस्तों ये है दुकान, देख लो यार, ओके ओके रखे हो, अच्छी खासी सजी हुई है। तो ब्रदर आपकी स्पेशलिटी कौन से पान की है, कौन सा पान फेमस है आपका यहाँ पे? हमारे यहाँ सबसे ज्यादा गुंडी पान। गुंडी पान है क्या? मैंने पहली बार गुंडी पान निकाला, पहले बताइए उसमें डलता क्या है और है क्या, वो स्पेशलिटी क्या है उसमें अलग? गुंडी पान छोटे छोटे 4 पीस होते हैं एक डब्बे में, और उसके बाद ये आपका, ये देखिए ये छोटे छोटे, ये खाने में टेस्टी होते हैं और अच्छे होते हैं। इसमें क्या क्या डालते हैं बताएंगे? इसमें काफी, जैसे आपका हो गया छुआरा, हो गया सुपारी, हो गई गुलकंद, हो गया सौंफ, हो गया और खुशबू, अन्य प्रकार के पान के जितने प्रोडक्ट हैं सारे, यानी ये बच्चे भी खा सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, बच्चे भी खा सकते हैं, और वो चीज़ तो नहीं है, यानी जो बनारसी पान में डालते हैं हम, कत्था वत्ता वो तो नहीं है ना? नहीं कत्था भी नहीं इसके अंदर। हाँ जी, तो 4 पीस एक साथ कर लो, तो ये 4 पीस एक साथ खाने होते हैं? नहीं भैया एक एक करके खाना होता है। हाँ ऐसा नहीं चारों अलग चीज, चारों सेम है, सेम टेस्ट है। गाइस ये गुंडी पान देख लो, हम बता रहे थे ना जो आपको गुंडी पान क्या है, ये तो यानी ये बच्चे भी खा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं डला हुआ कि ये बड़े खाएं, नॉर्मल चीज़ें डली हुई हैं इसमें, बताया मुझे गुलकंद गुलकंद अच्छा सा डला हुआ है। 4 पीस हैं, 40 रुपये का ये पान है, 1 पीस पड़ा 10 रुपये का, बट 1 पीस अलग से नहीं मिलेगा आपको, पूरा पानी लेना पड़ेगा। तो ये क्या गाइस,
गुंडी पान देख लो आप। मजा आ गया यार, बहुत बेहतरीन पान है यार सही में। तो नॉर्मल मीठा पान होता है ना उससे कहते हैं ना 10 गुना उतना अच्छा पान है यार। नाइस, यानी बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। ठंडा जो कहते हैं ना कंफर्ट कि भाई को बंदा थोड़ा नाराज़ है या थोड़ा डिप्रेशन में ये खा लो यार, खुश हो जाएगा बंदा। तो गाइस हमने आपको पूरा कैवेंटर मार्केट दिखाया और हमने एंड किया पान शॉप पे। तो आप यहाँ पे आइए अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, इन्जॉय कीजिए नेशनल पान पार्लर का पान गुंडी पान। जब तक देखते रहिए देसी बुक्कड़। मैं हूँ आशीष, आपसे लेता हूँ अलविदा। और गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को हमारे। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस।